हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए मीडिया का धन्यवाद किया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई, जहां हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर उन्होंने खुशी जताई, साथ ही मीडिया का भी धन्यवाद किया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रिलीफ मिल गया और मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है और आप लोगों का सपोर्ट है। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस सुनवाई के दौरान सपना चौधरी के खिलाफ शिकायत करने वाले सतपाल तंवर भी पेश हुए। जब मामले के समझौते को लेकर बात हुई तो सतपाल तंवर ने इनकार कर दिया। हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन सतपाल तंवर का यही कहना था कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है और इसी कारण वो समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत समझौता नहीं किया जा सकता। हरियाणवी डांसर और रागिनी गायिका सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी में एक ऐसी रागिनी गाई जिसमें SC/ST एक्ट का उल्लंघन हुआ। हालांकि सपना चौधरी ने भी रागिनी के गायन से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रागिनी को केवल गाया है, लिखा नहीं, और इस रागिनी को उनसे पहले भी कई लोग गा चुके हैं जिन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।